ओके तो अभी हम आए हैं किसी साइबर हब नाम की जगह पे एंड बहुत सही जगह लग रही है, दिखाता हूँ मैं। जैसे शहर से निकल के आके ऐसे शहरों में आके ना भाई वाइब तो आती है, ये बात तो है। चलो थोड़ा घूमते हैं यहाँ पे, थोड़ा देखते हैं क्या क्या है, बाकी थोड़ी बहुत क्लिप्स व्लिप्स बनाएंगे, मिलते हैं। है भाई भाई जगह में वाइब तो है, जो भी बोलो वाइब है, अच्छी लग रही है बहुत जगह। मैं क्यों भाई मथुरा में तो ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है कि ये जगह मेरे लिए नहीं है, मैं पहले दिल्ली रहता था तो मेरे को इन जगहों का पता है और मैं गया भी हूँ, बट बिकॉज इतने सालों से मैं मथुरा रह रहा हूँ वहाँ पे ये सब दिखता नहीं है, तो काफ़ी अच्छा सा लग रहा है दोबारा ऐसी जगहों पर आके। बहुत सही है भाई, थोड़ी सी और मैं कुछ क्लिप्स निकालूंगा कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा तो, बिकॉज वैसे यहाँ पे मेन घूमने घूमने का ही है, ज़्यादा टाइम है नहीं हम पर रुकने का, वरना कुछ खाते पीते भी सही। मिलते हैं अब जल्दी, अब देखो हो सकता है किसी और मॉल जाए या थोड़ा बहुत यहीं घूमे, कुछ मेन कुछ मिलेगा तो क्लिप्स बनाऊंगा, वरना देखते हैं। सही बता रहा हूँ भाई साहब, मेरे को इस जगह पे इतना मजा आ रहा है ना, ये साइबर सिटी में साइबर पार्क जो भी है इसका नाम, कि मेरे को यहाँ से बाहर यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ कैंसिल करो मूवी, यही पे घूमते हैं क्योंकि खुली खुली जगह है, वाइब बहुत अच्छी है जगह की। अभी देखते हैं और जगह भी जाएंगे कैसा रहेगा क्या रहेगा माहौल वहाँ पे, बट ये जगह मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो ज्यादा शॉपिंग वॉपिंग कुछ खास करी नहीं है यहाँ पर भाई साहब, बहुत महंगी बट बहुत सही जगह है भाई, बहुत ही सही जगह है भाई। मेरा कैमरा एक्चुअली में सही रिकॉर्ड कर रहा है, पता नहीं कैसे लाइटिंग कंडीशन ठीक आ रही है। ओके एनिमे फैंस, तुम्हारे लिए जन्नत है भाई ये, किसने ये सारे फिगरीन्स रखे हैं यहाँ पे एनिमे के, मैं तो देखता नहीं हूँ एनिमे तो मेरे को तो पता नहीं, बट कूल लग रहे हैं बहुत, काफ़ी सही लग रहे हैं यार ये फिगरीन्स। मोदी जी अब की बार मोदी दोबारा मोदी सरकार, ओके इस पर और कुछ नहीं बोलेंगे, काफ़ी सही लग रही है भाई। देखो यहाँ पे भी रखे हैं, देखो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, डोरेमोन, शिनचैन, कैप्टन अमेरिका, पिकाचू, हल्क, स्पाइडरमैन, जोकर, बहुत कुछ है, काफ़ी सही लग रहा है ना। मेरे को एक शॉप देगी ठेला बाय द चार्ट वॉक, इस पर प्राइस पड़े इसकी चीज़ों के, और होली शिट भाई इतना महंगा भाई साहब, गोल गप्पे मिल रहे हैं 100-150-200 रुपए के। मैं कहा भाई यही सेम चीज़ मैं 10-20 रुपए में खाया हूँगा अपने घर के पास, पर ठीक है यार जगह की भी वो होती है, अच्छे प्राइसेस जगह के भी जाते हैं, बट जगह अच्छी है, जगह मैं कितनी बार बोलने वाला हूँ बट पता नहीं, बट जगह बहुत अच्छी है। लाइक मैं दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ से कैप्चर कर पाऊँ एक व्यू मेरे को मिल रहा है, मैं वो दिखाने का ट्राई करूँ। फॉरगिव द कैमरा क्वालिटी, मेरा कैमरा इतना क्लियर है नहीं, बट भाई ये देखो कितना सही लग रहा है, ये बिल्डिंग देखो सही है भाई। और जिस दिन को ये लग रहा हो ना कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं है, मेरे को इन चीज़ों की आदत वैसे है क्योंकि मैं दिल्ली रहा हूँ पहले 9 साल, बट क्योंकि इतने साल मथुरा रहते रहते हो गए ना, तो ये चीज़ें बहुत नई बन गई हैं मेरे लिए, पहले जो नॉर्मल हो गई थी ना बहुत नई हो गई हैं। तो अगर किसी को लग रहा है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ तो प्लीज़ फॉरगिव मी, ओके। तो हम उस मॉल में तो आ गए जिसमें हम मूवी देखने आए हैं, अभी इसमें मिल गया है चुनमुन का स्टोर, और मेरे बहन देखने लग गई है यहाँ पे कपड़े, तो अभी यहाँ पे कपड़े लेके जा रहे हैं। देखो यहाँ पे कितना टाइम लगता है, वैसे मूवी शुरू होने में भी आधा घंटा है। एक बड़े क्लटर्ड से मार्केट में खो गए भाई साहब, हम यहाँ पे इतना कुछ है देखने दिखाने को, मेरी बहन तो पागल हो गई है, ये टॉय दिला दो वो टॉय दिला दो, टॉयज का सेक्शन वहाँ पीछे की साइड है, मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ। ऐसे मार्केट्स में आगे ना भाई कंफ्यूजन होता ही है, इतना तगड़ा हल्ला हो रहा है भाई साहब, वहाँ आगे गेम वेम चल रहे हैं, PVR सिनेमास में तो पहुँच गए, अब बस देखते हैं 15 मिनट में मूवी है। मथुरा जैसे शहर से निकल के ऐसी जगहों पर आके ना अलग ही ऐसी फीलिंग आती है जैसे पता नहीं कहाँ दूसरी दुनिया में आ गए थे, बट ठीक है अभी पहुंच तो गए हैं, 5-7 मिनट में मूवी शुरू हो रही है, अंदर जाएंगे बैठेंगे, थोड़ा
थोड़ी बहुत क्लिप्स और मैं जितनी बना पाऊंगा बनाऊंगा, बिकॉज पायरेसी इज नॉट अलाउड, से नो टू पायरेसी। तो मैं ऐसे कुछ क्लिप्स बनाऊंगा नहीं, बस हल्का फुल्का सा कुछ एक आठ शॉर्ट टाइप कुछ बना दूंगा। बाकी भाई साहब ये देखो ऊपर रिफ्लेक्शन ही रिफ्लेक्शन मैं दिख रहा हूँ, मैं नहीं दिखूंगा ना, मैं कैसे दिखूंगा यार, मैं क्यों नहीं दिख रहा, आप दिखूंगा मैं ये रहा। हेलो था, मेरे को उस मूवी का पोस्टर मिल गया जो हम देखने आए हैं, कुंग फू पांडा 4। फाइनली पूरे वीडियो में अब जाके ये दिख रहा है मेन कि हम क्या करने आए हैं। चलो आए हाँ तो गए भाई साहब थिएटर में, अभी तो एड वैड ही चल रहे हैं, देखते हैं कब तक शुरू होती है। अभी हुआ है इंटरवल मूवी में एंड अभी तक तो मूवी बहुत ही एवरेज ही चल रही है। लाइक कुंग फू पांडा 1, 2, 3 तीनों ने ऐसी स्टार्टिंग में ही आधे घंटे में ही बहुत तगड़ा इंटरेस्ट बना दिया था। ये मूवी अभी तक उतना कुछ खास नहीं करता ही है, देखते हैं हो सकता है बिल्डअप बहुत तगड़ा हो एंड में आके कुछ मूवी बवाल कर दे, बट अभी तक तो बहुत ही डिसेंट सी चल रही है, लाइक कुछ ज़्यादा मज़ा आ नहीं रहा, बाकी देखते हैं। ओके गाइस मूवी तो हो गई खत्म, अब मैं सीरियसली एक अपना रिव्यू देता हूँ। बहुत एवरेज सी मूवी थी, बिकॉज कुंग फू पांडा 1, 2, 3 बहुत अच्छी थी, ऐसे नहीं है कि मूवी खराब थी, बट इन कंपैरिजन विद द फर्स्ट 3 पार्ट्स काफ़ी डल हो गई उन 3 पार्ट्स के कंपैरिजन में। अभी अगर आप देखने आ रहे हो एज एनिमेटेड मूवी, एज एन एनिमेटेड मूवी, और अगर सिर्फ आप एंटरटेनमेंट नहीं आ रहे हो तो आपको मूवी डिसअपॉइंट उस बेसिस पे तो नहीं करेगी, बट इफ यू कीप इन माइंड द फर्स्ट 3 पार्ट्स उस हिसाब से काफ़ी डल है, बट ओवरऑल मूवी बहुत डिसेंट वन टाइम वॉच है, तो गो चेक इट आउट, आप लोग भी देखो। अगर आपने पहले 3 पार्ट्स देखे तो आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लग सकती है, सेकेंड हाफ फिर भी ठीक था, फर्स्ट हाफ काफ़ी डल सा था, बट ओवरऑल मूवी ठीक। तो हम मिलते हैं आगे इस हाफ में जाऊँगा ओके। तो हम आ गए भाई वापस साइबर सिटी, क्योंकि और कोई जाने की जगह मिली नहीं, मतलब जाने की जगह तो बहुत थी बट क्योंकि लेट हो गया था ऑलरेडी, फिर घर पर भी जाना है, मतलब घर तो नहीं बट लेट हो गया तो ज़्यादातर बाहर भी घूमना थक रह गए हैं क्योंकि, तो वापस साइबर सिटी आ गए थोड़ी देर। एंड मैं एक चीज़ बोलूँगा भाई साहब, ये जगह दिन में इतनी अच्छी लग रही थी बट रात में, अब जो ये टाइम हो गया है इस टाइम, तो ये जगह इतनी सही लग रही है कि मैं बता नहीं सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ही ऐसी जगह है, ऑब्वियसली कि मतलब अगर आप नॉर्मल सिटी से कंपेयर करो तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छी है, बट रात में इसकी फील बहुत ही डिफरेंट आ रही है, बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही है, बिकॉज भाई रात इतनी बढ़िया चीज़ है, उसमें ऐसी जगह पर अगर आप घूमो तो वो पता चलता है भाई। अब साइबर सिटी जो व्लॉग में पहले थी, जो दिन में जो मैंने क्लिप्स बनाई वो सब भी अच्छा लग रहा था, बट रात में ये जगह भाई क्या लग रही है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को भी। देखो भाई मतलब रात में भाई वाइब है, भाई रात में वाइब बहुत डिफरेंट है, रात में कितनी सही लग रही है। भाई थोड़ा सा आगे चलते हैं साइबर सिटी में, थोड़ा और आगे की साइड देख के आते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कैसे क्या सीन। देखो कितना सही लग रहा है भाई ये रात के टाइम में, तो भाई अलग फील आ रही है।